इस समय हम हैं चित्रकूट में और चित्रकूट के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से अतीक अहमद का काफिला गुजरता हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस कल दोपहर साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज के लिए लेकर निकली थी। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर अतीक का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। अतीक की ये गाड़ी, उस गाड़ी के पीछे तमाम सारी प्रेस की गाड़ियां। अतीक अहमद को चित्रकूट के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से गुजरते हुए आप देख सकते हैं। लगभग 60 किलोमीटर आगे जाकर मुरका के पास चित्रकूट की सीमा समाप्त होगी और उसके बाद अतीक अहमद का ये काफिला प्रयागराज की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। मुरका से प्रयागराज की दूरी भी लगभग 60 किलोमीटर है। लगभग 3-3.5 घंटे में अतीक अहमद को नैनी जेल पहुंचाए जाने की संभावना है। अतीक अहमद इसी गाड़ी में है, आप देख सकते हैं अतीक अहमद की गाड़ी लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से आगे बढ़ती हुई। अतीक अहमद का काफिला चित्रकूट में इस समय क्रॉसिंग पर, रेलवे क्रॉसिंग पर रुका हुआ है और पिछली बार जब 15 दिन पहले अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया जा रहा था तब भी ये काफिला यही रुका हुआ था। ये क्रॉसिंग है चित्रकूट में जहाँ पे दिल्ली और मुंबई लाइन की गाड़ियां पास होती हैं। यहाँ से चित्रकूट की सीमा 60 किलोमीटर आगे जाके खत्म होगी। मुरका के पास से अतीक का यह काफिला प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करेगा। फिलहाल अभी अतीक का यह काफिला रुका हुआ है और ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं। नीचे पुलिस कर्मी मुस्तैद हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मी मुस्तैद। अतीक का यह काफिला चित्रकूट में रेलवे क्रॉसिंग पर रुका हुआ है फिलहाल।